सड़क पर चलते हुए अक्सर आपने किसी बाइक को लाइट बंद करने का इशारा तो ज़रूर किया होगा, लेकिन अब आजकल आप देखते होंगे कि जो नई गाड़ियाँ आ रही है उनकी हेडलाइट दिन में भी जलती रहती है, और कंपनियों ने सरकार के आदेश के बाद गाड़ियों में लाइट को ऑन ऑफ करने का स्विच लगाना बंद कर दिया है। आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि अब गाड़ियों की हेडलाइट दिन में भी क्यों जलती रहती है और ऐसा करने के पीछे क्या वजह है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि ऐसा सरकार ने देश में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया है। बेसिकली सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से AHO फीचर लॉन्च किया है। AHO फीचर मतलब ऑन टाइम हेडलाइट ऑन और ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन सिस्टम। तो इस फीचर में सुबह हो या शाम हो आपके बाइक की हेडलाइट ऑन रहेगी। तो सरकार ने बेसिकली ऐसा फीचर क्यों लॉन्च किया है तो चलिए जानते हैं। तो सरकार ने बेसिकली 1 अप्रैल 2017 से BS4 मॉडल में ये फीचर लॉन्च किया है। अब ये फीचर BS6 मॉडल में कंटिन्यू किया गया है। तो चलिए जानते हैं सरकार ने AHO फीचर मीन्स ऑल टाइम हेडलाइट ऑन सिस्टम क्यों शुरू किया है। कई बार धुंध, कोहरे या कम रोशनी में गाड़ी की लाइट बंद होने की वजह से कई हादसे हो जाते हैं, और ऐसे में उन हादसों को रोकने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बेसिकली जब भी धुंध हो या कोहरा हो हमें हमें सामने से आने वाली गाड़ी नहीं दिखती है। बेसिकली टू व्हीलर तो हमें सामने से आते हुए दिखती ही नहीं है, तो उसको ही रोकने के लिए सरकार ने ये फीचर लॉन्च किया है। इसका मतलब अगर सामने से टू व्हीलर आती है और उसकी हेडलाइट ऑन रहती है तो हमें सामने से दिखता है कि सामने से बाइक आ रही है। बेसिकली आपको बता दें कि कई यूरोपीय और पश्चिमी देशों में ये कानून पहले से लागू है। तो अब से अगर आपको कोई सड़क पर चलते किसी गाड़ी की लाइट बंद दिखे तो उसे लाइट जलाने का इशारा करें। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि भारत में अब गाड़ियों की लाइट हर समय क्यों जलती रहती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए तुषार जाधव YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।